और जब तक हम कोई कोशिश नहीं करेंगे, जब तक हम किसी नदीचे पर भी नहीं पहुंच सकते। ये देखिए, मैंने उसके बाद थोड़े से सीड्स और लगाए हैं इसमें। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जैविक वाटिका में। और आज का ये वीडियो है हमारा अपडेट देने के लिए कि जो हमने सीड्स लगाए थे जर्मिनेशन के लिए, वो उनका रिजल्ट कैसा रहा, हमने जितने भी सीड्स लगाए थे क्या वो जर्मिनेट हुए हैं या नहीं हुए हैं। ये जो आप वीडियो में अभी देख रहे हैं, ये हमारे गोभी के सीड्स हैं और ये बंद गोभी है, इसके सीड्स लगाए थे हमने। तो इनका जर्मिनेशन तो काफ़ी ठीक रहा, काफ़ी अच्छा रहा। और एक फूल गोभी के भी हमने लगाए थे, उनका जर्मिनेशन भी आप देखिए कितना अच्छा रहा। काफ़ी जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट हुए हैं, थोड़े बहुत ही होंगे जो जर्मिनेट नहीं हुए हैं। और जो सीडलिंग है हमारी वो काफ़ी बड़ी हो गई है, लगभग 3 इंच की अभी हो चुकी है। इसके अलावा अपडेट है जो हमारे फ्लावर्स के प्लांट हमने सीड्स लगाए थे उनकी, तो इनका रिजल्ट बहुत ही बेकार रहा है और मैं बिल्कुल हताश हो गया हूँ। कितने सारे सीड्स मैं खरीद कर लाया था और उनमें से कुछ एक ही 2-4 सीड्स जर्मिनेट हुए हैं, बाकी कोई सीड्स जर्मिनेट नहीं हुआ है। ये देखिए, ये एस्टर है, ये पिटूनिया है, पिटूनिया के 3-4 सीड्स आप देख रहे होंगे जर्मिनेट हो पाए हैं। बाकी पॉपी है, वो भी नहीं हुआ है, सिनेरिया है, वो भी नहीं हुआ है, डेम्फोर्सिया है, वो भी नहीं हुआ है, सारे के सारे सीड्स जर्मिनेट नहीं हो पाए हैं। और इधर कॉस्मोस है, कॉस्मोस में 4-5 सीड्स आप देख रहे हैं जो जर्मिनेट हुए हैं। बाकी अगर थोड़ी सी बात करें इधर, तो ये ग्लाडिया है जिसके सीड्स जर्मिनेट हुए थे और इनकी जो पौध है वो थोड़ी बड़ी भी हो गई थी, लेकिन कल इनको चूहे ने ऊपर से कुतर दिया तो ये भी बेकार हो गए हैं। बाकी गजेनिया के सीड्स हैं, वो भी जर्मिनेट नहीं हुए हैं। 2 दिनों से बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी तो ये हमने अंदर इनको रखा हुआ है, अंदर बाहर करने के चक्कर में एक तो इनका ज़्यादा ही कुछ बेकार हो गई हैं। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि बारिश के चलते हमने इनको अंदर करना पड़ा है और जिस वजह से इनको काफ़ी धक्का लगा है और ये अच्छे से जर्मिनेट भी नहीं हो पाए हैं। एक तो मैंने जो इस बार गलती करी है, मैं आपको वो बता देता हूँ कि वो गलती शायद आपसे ना हो जाए या अनजाने में कुछ ऐसा हो जाए। सीड्स जब भी लें आप, तो एक अच्छी प्रतिष्ठित दुकान से ही खरीदें और अच्छी क्वालिटी के आप सीड्स लें। मैंने एक जो सीड्स लिए थे इस बार, कुछ तो अपनी मार्केट से लिए थे, वो फिर भी थोड़े बहुत जर्मिनेट हुए हैं। लेकिन जो सीड्स मैंने ऑनलाइन बाय किए थे, एक चैनल है उससे मैंने ऑनलाइन बाय किए थे, नाम इसलिए नहीं बताऊंगा कि मैं उसको काफ़ी टाइम से देखता भी हूँ, 3-4 साल हो गए, तो हो सकता है उसमें उसकी कोई गलती ना रही हो। सीड्स उन्होंने कह के दिया था कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, लेकिन वो एक भी सीड्स, 7-8 टाइप के मैंने सीड्स मंगाए थे, वो एक भी सीड्स जर्मिनेट नहीं हुआ है और सारे के सारे सीड्स हाइब्रिड थे। हाइब्रिड होने के बावजूद भी वो सीड्स एक भी जर्मिनेट नहीं हो पाया। अब इसमें क्या चूक हुई है, मैं अभी ये नतीजे पर नहीं पहुंच पाया हूं, लेकिन मैं जानने की ज़रूर कोशिश करूंगा कि जर्मिनेट क्यों नहीं हुए हैं। हाँ, एक चीज़ तो है कि अगर मेरे से लगाने में कोई चूक होती तो जो और दूसरे सीड्स जर्मिनेट हो गए हैं वो भी ना होते, अगर मैं लगाने में इनको गलती करता तो मुझे लगता है कि सीड्स में ही कहीं ना कोई खराबी रही होगी।
क्योंकि ये देखो आप, ये सीड्स भी मैंने ही लगाए थे और ये भी, ये देखिए जर्मिनेट हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर अच्छी क्वालिटी के सीड्स होते तो जर्मिनेट ज़रूर होते। ये देखिए ये भी हैं। और एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, ये टमाटर के हैं, ये देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है इनकी और जर्मिनेशन भी अच्छा रहा है। तो अगर लगाने की बात आए कि मैंने सही से नहीं लगा पाया, मैं उस वजह से जर्मिनेट नहीं हुए हैं, तो ये भी जर्मिनेट ना हो पाते। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि सीड्स जब भी खरीदें, कोई अच्छी शॉप से खरीदें, जो जिसकी क्वालिटी अच्छी हो वही बीज आप खरीदें, नहीं तो मेरी तरह आपका भी टाइम ख़राब होगा, टाइम के साथ साथ आपका पैसा भी वेस्ट जाएगा। दोनों ही चीज़ें बहुत मायने रखती है, टाइम भी और पैसा भी। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा यही कारण था कि मैं दिखाऊं कि मैंने जो इतनी मेहनत करके पिछले एक महीने से पैसा भी खर्च किया है और टाइम भी खर्च किया है, उसके बावजूद जो रिज़ल्ट है वो जीरो है। कोई बात नहीं, मैं निराश नहीं हुआ हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। और जब तक हम कोई कोशिश नहीं करेंगे, जब तक हम किसी नदीचे पर भी नहीं पहुँच सकते। सफलता और असफलता साथ में चली रहती हैं। तो कोई बात नहीं, मैं अभी सफल नहीं हुआ हूँ उस बार, लेकिन अगली बार मैं फिर ट्राई करूँगा और सफलता मेरे हाथ लगेगी। तो ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा यही मोटिव था। तो अब दोबारा फिर से मैं कोशिश करूँगा, फिर आपको दिखाऊँगा कि जो सीड्स हैं वो, उनका रिजल्ट कैसा रहा। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। और ये देखिए मैंने उसके बाद थोड़े से सीड्स और लगाए हैं इसमें, ये देखिए, और इन ये जर्मिनेट होने शुरू हो गए हैं। ये कॉस्मोस है, ये देखिए अच्छा जर्मिनेशन चल रहा है इनका। तो चलिए इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।